Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are fine at your home. आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ा प्रसाद, आटे का हलवा जो कि गुरुद्वारे में मिलता है. चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ मैंने लिया है देसी घी, चीनी और आटा. इन तीनों चीज़ों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है. उतना ही आटा है, उतना ही चीनी है और उतना ही घी है. इनको इक्वल क्वांटिटी में लिया है. इसके अलावा हमें अब चाहिए पानी. पानी हमें कितना डालना है? इक्वल जो क्वांटिटी हमने आटा, चीनी और घी की ली है उससे डबल क्वांटिटी होगी. अब देखिए, मैंने डबल ये नाप के इसमें पानी डाल लिया है और डबल क्वांटिटी में पानी लगता है. इसमें मैंने डाल दी है चीनी और बस अब हमें इसे गैस पे रखना है. कोई चाशनी नहीं बनानी, एक तार दो तार ऐसा कुछ नहीं है. बस चीनी को पानी में हमें मेल्ट करना है, घोलना है. चीनी पानी में घुल जाए बस इतना ही करना है. इतनी देर चीनी पानी में घुल रही है, हम हलवे की तैयारी करते हैं. ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम डाल लेंगे घी, जो देसी घी है हमारा. और एक और बात, ये भी देसी घी में ही बनता है. देसी घी में बनाएंगे तो टेस्टी बनेगा, रिफाइंड में वो टेस्ट नहीं आएगा जो गुरुद्वारे वाला टेस्ट होता है. तो देसी घी डाल लिया है. अब इसके बाद एक सीक्रेट टिप है, ये मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच बेसन. आपने जो क्वांटिटी आटे की, चीनी की देखी, उसके अकॉर्डिंग मैं आधा चम्मच इसमें बेसन डाल रही हूँ. ये एक सीक्रेट टिप है, मैंने किसी के यहाँ देखी थी. गुरुद्वारे वाले जो भाई जी होते हैं, उन्होंने जब हलवा बनाया तो इसी तरह से हलवा बनाया. ये उनकी एक सीक्रेट टिप है. बस बेसन को भून लेंगे हम घी में, उसके बाद हमें डालना है आटा. आटा डाल के हमें उसे कॉन्टीन्यूसली चलाना है, भूनना है. और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि गैस बिल्कुल सिम होनी चाहिए और हमें आटे को जो है वो सिम गैस पे ही भूनना है. गैस तेज़ नहीं होनी चाहिए. मेरे यहाँ पे हलवा हफ्ते में दो बार ज़रूर बन जाता है, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और मेरे लड्डू गोपाल जी को भी बहुत अच्छा लगता है. तो हफ्ते में दो बार हमारे यहाँ पे हलवा बन जाता है. ये देखिए, आटा जो है वो घी में अच्छे से भुन रहा है. अब इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है. बस इसी तरह से इतना ही भुनना है हमें इसे. ये देखिए, पर ध्यान रखें इसे कॉन्टीन्यूसली चलाते रहें, ये जल ना जाए, नीचे लग ना जाए. बस अब हमें इसमें डालना है जो हमने चीनी पानी में घोल दी थी, वो डालना है. और बी केयरफुल प्लीज़, ये गरम छींटे पड़ने का डर है, तो प्लीज़ ध्यान से करें इस काम को. तो अब हमें बस कुछ नहीं करना, कॉन्टीन्यूस इसको चलाना है. ध्यान रखें कि इसे कॉन्टीन्यूस चलाना है. अगर आपने इसे छोड़ दिया तो इसमें जो है वो लम्स बन जाएंगे, गिठलियाँ बन जाएंगी. इसलिए इसे कॉन्टीन्यूस चलाते रहें, बस कुछ नहीं करना है. ये देखिए, विद इन अ सेकेंड्स हलवा रेडी. ये देखिए, इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत टेस्टी बनता है. ये देखिए, हलवा जो है वो रेडी हो गया. बस देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना. गैस को कर देंगे बंद और हलवा जो है वो तैयार है. फ्रेंड्स, आपको देख के लग रहा होगा शायद बहुत ज़्यादा घी है, बट गुरुद्वारे वाला जो प्रसादा होता है, हलवा होता है, वो ऐसे ही बनता है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.